हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा आरटीपी नवंबर 2020 कॉस्ट अकाउंटिंग का, आरटीपी नवंबर 2020 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। वो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक कहाँ पर मिलेगा सर? इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, ठीक। वहाँ पर आपको सभी आरटीपीज मई 2019 से लेकर अभी तक के सभी आरटीपी वीडियोज वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। चलो सर, कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है सर सर्विस कॉस्टिंग का, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज 20 व्हीकल्स, द कैपेसिटी ऑफ ईच आर एस फॉलोज। नंबर ऑफ व्हीकल्स 5, जिनकी कैपेसिटी है 9 मैट्रिक टन की। 6 व्हीकल ऐसे हैं जिनकी कैपेसिटी हमारे पास है 12 मैट्रिक टन। 7 व्हीकल्स ऐसे हैं जिनकी कैपेसिटी 15 मैट्रिक टन की, और 2 व्हीकल्स ऐसे हैं जिनकी कैपेसिटी जो है दैट इज 20 मैट्रिक टन। The company provides the goods services between the stations A to station B. Distance between the station is 100 kilometers. So distance जो है वो 100 kilometers का है between station A and station B. Each vehicle makes one round trip per day on an average. The vehicles are loaded with an average of 90% of capacity at the time of departure from station A to station B, and एट द टाइम ऑफ रिटर्न बैक लोडेड विद 70% कैपेसिटी। कहते हैं जाते वक्त जब स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ जा रहे हैं तब तो कैपेसिटी कितनी है सर? तब तो कैपेसिटी है 90% ऑन एन एवरेज, जितनी टोटल कैपेसिटी है उसका 90% जो है वो लोडेड रहते हैं, ठीक है। और वापस आने के वक्त वो 70% जो है वो लोड कैरी करते हैं। 10% ऑफ द व्हीकल्स आर लेड अप फॉर द रिपेयर्स एवरी डे। कहता टोटल में से 10% व्हीकल्स जो हैं, अगर 20 व्हीकल हैं उसमें से 10% मतलब कि 2 व्हीकल्स जो हैं वो हमारे रिपेयर के लिए रहते हैं। तो ऑन एन एवरेज चलते कितने व्हीकल्स हैं हमारे? 18। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट 2020। तो ऑगस्ट 2020 की कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सैलरी ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजर, सैलरी ऑफ 30 ड्राइवर्स 20,000 ईच ड्राइवर, एक ड्राइवर की 20,000, टोटल कितने ड्राइवर हैं? 30। वेजेस ऑफ 25 हेल्पर्स 12,000 ईच हेल्पर, एक हेल्पर की जो है वो 12,000 है, और टोटल कितने हेल्पर्स हैं? 25। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस इज ₹850 ईच ट्रिप। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर इंटरप्रिटेशन काम आती हैं कि किस तरह से आप इसको इंटरप्रेट करते हो, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे पूरी, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमेबल स्टोर्स डिपेंड्स अपॉन रनिंग ऑफ व्हीकल दे रखा है, इंश्योरेंस दे रखी है, रोड लाइसेंस, कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर 78, और वो कहता है एक लीटर में जो एक व्हीकल है वो 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो एक इसके ऊपर वर्किंग नोट बनेगा हमारा। लुब्रिकेंट ऑयल, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ टायर्स, ट्यूब्स, अदर पार्ट्स आ गया, गैरेज रेंट आ गया, रूटीन मैकेनिकल सर्विसेज आ गई, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल ऑन टाइम बेसिस, ठीक। चलो जी, उसके बाद वो कहता है देयर इज अ वर्कशॉप अटैच टू द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट विच रिपेयर्स दीज व्हीकल्स एंड अदर व्हीकल्स। 40% ऑफ द ट्रांसपोर्ट मैनेजर सैलरी इज डेबिटेड टू द वर्कशॉप। कहता है जितनी ट्रांसपोर्ट मैनेजर की सैलरी है जैसे कि 60,000 की, उसका जो 40% है वो वर्कशॉप से रिलेटेड है, और 60% जो है वो उस हमारी जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है ना। दो डिपार्टमेंट्स हैं बेसिकली, एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, एक वर्कशॉप डिपार्टमेंट है। तो कहता जो उसकी सैलरी है उस वो 40% तो वर्कशॉप डिपार्टमेंट की, और 60% जो है वो हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की है, क्लियर है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैज बीन अपोर्शनड 88,000 बाय द वर्कशॉप ड्यूरिंग द मंथ। कहता वर्कशॉप ने 88,000 का खर्चा जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नाम पे डाल दिया। ड्यूरिंग द मंथ ऑपरेशन वॉज फॉर 25 डेज, एक महीने में 25 दिन काम चलता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट 10 किलोमीटर ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसका मतलब क्या है सर? 10 किलोमीटर का मतलब क्या है? वो हमसे कॉम्पोजिट यूनिट मांग रहा है, कैपेसिटी दे रखी है, कमर्शियल कॉम्पोजिट यूनिट हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 10 किलोमीटर से मतलब क्या है हमारा? आस्किंग फॉर कॉम्पोजिट यूनिट। और दूसरी चीज उसने कहा, डिटरमिन द फ्रेट टू बी चार्ज्ड पर 10 किलोमीटर इफ द कंपनी अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द फ्रेट।
नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप लोग किस तरह से इंटरप्रेट करते हो. 25% जो प्रॉफिट है वो फ्रेट के ऊपर है सर. फ्रेट का मतलब यहां पर क्या हो गया, सेलिंग प्राइस. और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी प्रॉफिट परसेंटेज दी है, सबसे पहली चीज ये देखो कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट पर दे रखी है या सेलिंग प्राइस पर दे रखी है. अगर हम लोग सर्विस कॉस्टिंग की बात करें तो यहां पर जो फ्रेट चार्ज करना है दैट इज द सेलिंग प्राइस. तो 25% किसका दे रखा है, सेलिंग प्राइस का दे रखा है सर, ना कि कॉस्ट का. क्लियर है? तो यहां पर छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर हम लोग गलती कर जाते हैं, नीड टू बी केयरफुल. अब सर स्टार्ट करते हैं. अब हम लोग एक बार पूरा क्वेश्चन रीड किया. अब उसने क्या कहा सर, ध्यान से सुनना. ये हमारे पास है सर स्टेशन ए, और यहां से गाड़ी चलती है कहां तक की, स्टेशन बी तक की. इसका जो डिस्टेंस है दैट इज 100 किलोमीटर. ठीक है? अब गाड़ी क्या करती है, एक दिन में 1 राउंड ट्रिप करती है. मतलब क्या सर, 100 किलोमीटर जाती है गाड़ी. ठीक है, ए से बी, राइट. और लोड कितना करती है, 90% कैपेसिटी पे लोडिंग होती है. उसके बाद वो गाड़ी वापस आती है बी से ए, 100 किलोमीटर. ठीक है, 70% कैपेसिटी के साथ. अब मुझे ये बताओ कि एक दिन में, मैं क्या बोल रहा हूं, एक दिन में एक गाड़ी कितने किलोमीटर चल रही है. सर 100 किलोमीटर जाती है, 100 किलोमीटर आती है, तो 100 × 2 कर सकता हूं मैं. दिस इज 1 day 1 vehicle, राइट, 200 किलोमीटर. और सर इसमें से आगे क्या कि सर एक महीने में कितने दिन चलते हैं हम लोग, एक महीने में हम लोग कितने दिन काम करते हैं, 25 days. ठीक, लेकिन हमारी कितनी गाड़ी चलती है, वो 90% गाड़ी हमारी चलती है. क्योंकि उसने क्या कहा, 10% गाड़ी जो है वो रिपेयर्स के लिए रहती है. तो इसका मतलब है 10% तो रिपेयरिंग के लिए, 90% हमारी जो है वो चलती है, राइट. सो दिस कम्स टू सर 100 × 2 × 25 × 90%, दिस कम्स टू 4500 किलोमीटर, राइट. दिस इज फॉर वन व्हीकल इन 1 month. ठीक है, 1 vehicle in 1 month. अब हमारे पास टोटल व्हीकल्स कितने हैं, 20 हैं, राइट. तो टोटल अगर 20 व्हीकल्स के लिए हम लोग बात करेंगे तो कितना होगा सर, 4500 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 20, राइट. सो दिस विल कम टू 90,000. ठीक है सर, इतना पार्ट समझ में आ गया, राइट. चलो अब इसके ऊपर हम लोग बेस अपना डेवलप करेंगे. अब उसने पहली चीज क्या मांगी, उसने कहा 10 किलोमीटर ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए. अब 10 किलोमीटर के लिए क्या चाहिए, पहले तो आपको चाहिए टोटल कितने टन कैरी करते हैं. देखो ना, अब उसने क्या कहा, उसने हमसे मांगा सर 10 किलोमीटर. ठीक है, अब इसके लिए मुझे 3 चीजें चाहिए. क्या, एक तो टोटल टन कितना कैरी करते हैं. ठीक है, उसके बाद मेरे पास किलोमीटर कितने हैं, कितने किलोमीटर गाड़ी चलती है. उसके बाद कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. ठीक है, अब टोटल टन कैसे निकलेंगे, गाड़ी के टोटल टन निकलेंगे कैसे. सर मेरे पास 5 व्हीकल है जो 9 metric ton कैरी कर सकते हैं. तो 5 × 9 एक व्हीकल का हो गया, प्लस 6 × 12 एक व्हीकल का हो गया, क्लास ऑफ व्हीकल बेसिकली. 7 × 15 एक क्लास का हो गया, 2 × 20 एक क्लास का हो गया. इसको टोटल जोड़ दूं मैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल टन आ जाएंगे. आ जाओ सर वर्किंग नोट पे आ जाओ. कैलकुलेशन ऑफ टोटल टन किलोमीटर, टोटल कैपेसिटी कितनी है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच व्हीकल, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट. 5 × 9 प्लस 6 × 12 प्लस 7 × 15 प्लस 2 × 20. तो ये तो मेरे पास आ गया कि सर टोटल कैपेसिटी कितनी है मेरी, टोटल कितने टन मैं कैरी कर सकता हूं, मल्टीप्लाइड बाय एक व्हीकल जो है वो कितना डिस्टेंस कैरी करता है, 4500 किलोमीटर का. ठीक है सर, मल्टीप्लाइड बाय 20 क्यों नहीं किया, क्योंकि वो यहां पर आ गया सर, पूरी कैपेसिटी में आ गया मेरे पास, राइट. एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, सर जाते टाइम 90% कैपेसिटी है, वापसी पे 70% है, ऑन एन एवरेज मैं कितना लोड कैरी करता हूं, कमर्शियल कॉम्पोजिट यूनिट. ठीक है, ऑन एन एवरेज मैं कितना, ये तो है मेरी टोटल कैपेसिटी कितनी है कैरी करने की, ऑन एन एवरेज मैं कितना कैरी करता हूं. क्लियर,
तो इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास आया 943,200 टन किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो थी एक रिक्वायरमेंट की सर टोटल टन किलोमीटर निकालने हैं, और अगर ये निकालने नहीं आए, अगर यहां पर गलती कर दी तो समझ लो कि एक तरह से आपका सारा क्वेश्चन ही गलत है। फिर तो जो उसने मांगा हम कोई भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द थिंग दैट नीड्स टू बी डन वेरी वेरी केयरफुली। ठीक है, चलो सर ये निकाल लिया, उसके बाद तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं हमारे एक्सपेंसेस के साथ। अब अगर सबसे पहला क्या है, मैनेजर सैलरी की बात करें 60,000। अब 60,000 में से उसने कहा था 40,000 जो है वो वर्कशॉप का है, तो क्या हम वर्कशॉप वाला ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लेंगे? नहीं सर। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हम कितनी सैलरी लेंगे? सिर्फ और सिर्फ उसका 60%। तो 60% ले ली हमने, ठीक है, 40% जो थी वो वर्कशॉप की थी। उसके बाद ड्राइवर की सैलरी, उसने कहा 20,000 फॉर वन ड्राइवर, और टोटल कितने ड्राइवर हैं हमारे पास? 30 ड्राइवर्स हैं, तो टोटल 30 ड्राइवर्स की 6 लाख। हेल्पर की वेजेस 12,000 एक हेल्पर की, हमारे पास टोटल कितने हेल्पर हैं? 25 हेल्पर्स हैं, ठीक है, 3 लाख। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस सर हमें दे रखा है एनुअल, हमें क्या चाहिए, हम एक मंथ की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि आप लोग जो टन कैलकुलेट किए हैं आप लोगों ने, राइट, वो एक मंथ के किए हैं, और अगर आपने एक्सपेंसेस जो हैं, अगर आपने एक्सपेंसेस ईयरली ले लिए, टन किलोमीटर कैलकुलेट किए मंथली, तो क्वेश्चन वैसे ही गलत है सर सारा। ठीक है, और ये बहुत ही आम गलती है जो हम लोग करते हैं। आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस इन द 15-day चैलेंज ऑल्सो, मैंने देखा कि ये बहुत बड़ी गलती है कि हम लोग एक कैलकुलेशन मंथ में कर रहे हैं और दूसरी कैलकुलेशन एनुअल में कर रहे हैं, फिर एनुअल डिवाइडेड बाय मंथ कर देते हैं हम लोग। कैसे कंपैरिजन करोगे? एक कैलकुलेशन आपने एक्सपेंसेस लिए एनुअली, आपने टन किलोमीटर कैलकुलेट किए मंथली, उसको डिवाइड करके आप लोग आंसर निकाल रहे हो, कैसे आएगा? पॉसिबल ही नहीं है सर। जब तक दो पैरामीटर्स को सेम नहीं करोगे तो आप लोग कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते ना। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब इंश्योरेंस उसने एनुअल दे रखी है हमें, तो एनुअल को किस में किया? डिवाइडेड बाय 12 करके हमने इसको मंथली किया। रोड लाइसेंस, ये भी डिवाइडेड बाय 12 करके इसको मंथली किया। किया या नहीं किया? बिल्कुल किया सर। इंश्योरेंस हो गया, रोड लाइसेंस हो गया, गैरेज रेंट भी हमें दे रखा है सर। ये स्टैंडिंग चार्जेस लिए उसने, फिक्स चार्जेस पहले, ठीक है। रूटीन मैकेनिकल सर्विसेज दे रखी है आपको, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर ऑफिस दिस 55,000, डेप्रिसिएशन दे रखी है, अपोर्शनड वर्कशॉप एक्सपेंसेस 88,000 के, ये जो एंड में उसने दे रखा था, वो कहता है जी वर्कशॉप ने 88,000 के खर्चे जो हैं वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नाम पे डाल दिए हैं, कि भैया ये तुम्हारे खर्चे हैं, ये मेरे खर्चे नहीं है। ठीक है, तो वो भी हम लोगों ने इसको, अब डेप्रिसिएशन क्योंकि उसने स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था कि इट इज ऑन द टाइम बेसिस, तो हम लोग इसको फिक्स्ड ही लेंगे। अगर वो यहां पर लिख देता ऑन यूजेज बेसिस तो हम वेरिएबल भी ले सकते थे। अगर वो कुछ भी ना लिखता, अगर वो ना लिखता टाइम बेसिस, ना लिखता यूजेज बेसिस, तो हम किसी भी बेसिस पर लेके नोट दे सकते थे कि सर हमने एज्यूम किया कि डेप्रिसिएशन इज ऑन द टाइम बेसिस, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड माना है। ठीक है, अब क्योंकि उसने टाइम बेसिस दे दिया, अगर आपने इसको वेरिएबल में ले लिया तो डेफिनेटली गलत होगा ही होगा। तो क्वेश्चन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन ने क्या इंफॉर्मेशन हम लोगों को दे रखी है। ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद वेरिएबल में लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, आ जाओ सर हमारे पास क्या कुछ हो गया, हम पहले उसको टिक कर लेते हैं सर। ये हो गया, ये हो गया, वेजेस हो गया सर, उसके बाद हमारे पास इंश्योरेंस हो गया, रोड लाइसेंस हो गया, उसके बाद क्या है सर, लुब्रिकेंट ऑयल रनिंग बेसिस पे आएगा, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, गैरेज रेंट हो गया सर, रूटीन मैकेनिकल सर्विसेज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, और ये 88,000 के खर्चे भी हो गए। चलो अब क्या बचा, अब मेरे पास बचा लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस। उसने लिखा कि 850 ईच ट्रिप, अब इसको ध्यान से सुनना, 850 ईच ट्रिप का क्या मतलब है सर? यहां पर कुछ बच्चे ये इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि सर एक राउंड ट्रिप की 850 दे रखी है हमने, ठीक है, जबकि वो गलत है। सर लॉजिकली सोचो, जब वो स्टेशन ए से स्टेशन बी लेके गया तो यहां पर भी लोडिंग की और यहां पर भी अनलोडिंग की ना। जब वो स्टेशन बी से स्टेशन आया, यहां पर लोडिंग की, यहां पे अनलोडिंग की, तो उसने कहा सर 850 एक ट्रिप का, एक ट्रिप का मतलब है एक साइड का 850 यहां पर, 850 यहां पर, राइट, नॉट दिस।
एक उसने ये नहीं लिखा 850 फॉर वन राउंड ट्रिप, उसने लिखा 850 पर ट्रिप। पर ट्रिप का मतलब है एक साइड का 850 सर। इतना तो दोगे ना भैया, लोडिंग करेगा अनलोडिंग करेगा इतना पैसा तो दोगे उसको, ठीक। तो एक साइड का 850 है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगी सर, वर्किंग नोट बनाए। कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स अवेलेबल पर डे, एक दिन में कितने व्हीकल्स अवेलेबल रहते हैं हमारे पास, 90% ऑफ 20, 18 व्हीकल्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, राइट। ये कैसे आया, ये 18 कैसे आया सर, 20 into 90%, क्यों, क्योंकि 10% व्हीकल्स जो हैं वो रिपेयर के लिए रहते हैं। नंबर ऑफ डेज 25, नंबर ऑफ ट्रिप्स कितने 2, एक दिन में 2 ट्रिप्स होते हैं ध्यान रखना। वेजेस पर ट्रिप, राइट, अच्छा वेजेस पर ट्रिप लेना था सर, वो आगे आगे ये ऐसे आएगा, चलो ये नेक्स्ट लाइन में आना था, वन सेकेंड, चलो सर ये आएगा ऐसे, 20 व्हीकल्स इंटू 90% इंटू 25 डेज इंटू 2 ट्रिप्स इंटू 850, एक ट्रिप की कितने 850 रुपए, ठीक है। तो 7,65,000 की जो है वो वेजेस पेड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग, ठीक है। कंज्यूमेबल स्टोर्स दे रखा है, डीजल पे बाद में आते हैं सर, ल्यूब्रिकेंट ऑयल दे रखा है, रिप्लेसमेंट दे रखी है। अब आई बात डीजल पे, डीजल पे वो कहता है कि सर एक लीटर की जो कॉस्ट है, अब अगर हम लोग डीजल की बात करें, वो कहता है कि सर एक लीटर की जो कॉस्ट है वो है 78 रुपीज। अब सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है सर कितना लीटर हमारा जो है वो कंज्यूम होगा, ठीक है। उसने कहा कि सर जी 5 किलोमीटर अगर गाड़ी चलती है तो 1 लीटर जो है वो मेरा कंज्यूम होता है। तो मुझे ये बताओ कि मेरी टोटल गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है, 90,000 किलोमीटर चलती है या नहीं चलती एक महीने में, बताओ कोई डाउट। टोटल व्हीकल मेरे 90,000 किलोमीटर चलते हैं या नहीं चलते, बिल्कुल चलते हैं सर। ये कैलकुलेशन मैंने इसलिए की थी यहां पे, ठीक है। तो अगर 5 किलोमीटर में 1 लीटर कंज्यूम हो रहा है तो 90,000 किलोमीटर में मेरा कितना कंज्यूम होगा डीजल, ठीक है सर। 90,000 डिवाइडेड बाय 5, दिस कम्स टू 18,000 लीटर। 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है 78, तो 18,000 लीटर की कॉस्ट कितनी हुई सर, इसकी कॉस्ट हो गई सर 14,04,000। लो सर 14,04,000 की कॉस्ट, कोई डाउट, ठीक है जी। तो टोटल मेरे पास कितनी कॉस्ट आ गई सर, टोटल किया कॉस्ट तो आ गई 50,18,000। टोटल टन किलोमीटर हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे कहां पर, वर्किंग नोट नंबर 3 पे सबसे पहले वही किया था। तो कॉस्ट पर टन कितनी आ गई 5.32। अब इसके ऊपर वो कहता है कि सर जी मुझे प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट कितना चाहिए, उसने कहा 25% ऑन फ्रेट। तो कॉस्ट के ऊपर कितना हुआ 33 1/3%, राइट। तो चार्जेबल फ्रेट कितना हुआ 7.09, और ये हमारी थी दूसरी रिक्वायरमेंट। ये डीजल वाली सर कैलकुलेशन ये कर रखी है जो मैंने वहां पे कर दी थी, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड, कंजम्पशन ऑफ डीजल कितनी, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसका वर्किंग नोट डेफिनेटली, इन चीजों का वर्किंग नोट बनाकर आना एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे सबसे ऊपर यही लिखा होता है, वर्किंग नोट शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ योर आंसर। तो वर्किंग नोट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो याद रखना सर, 25% ऑन फ्रेट का मतलब है 25% ऑन सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट के ऊपर कितना हुआ 33 1/3% सर, कैसे। चलो वैसे मैं बहुत बार बता चुका हूँ लेक्चर्स में, स्टिल अगर मेरी सेलिंग प्राइस है 100 रुपए की, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ एट द रेट ऑफ 25%, 25 रुपीज का। मेरी कॉस्ट कितनी हुई 75 की, कॉस्ट कितनी हुई 75 की। अब ये प्रॉफिट कॉस्ट का कितना परसेंटेज है, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, ये सेलिंग प्राइस का तो 25% है, लेकिन ये कॉस्ट का कितना परसेंटेज है, 25 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस कम्स टू 33.33%, क्लियर है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट।
ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? तो ये था सर हमारे पास सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको बहुत अच्छे से करना, एक बार ये वीडियो देखने के बाद इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना, समझना, ठीक? नहीं समझ में आएगा वीडियो दोबारा से सुन लो, ठीक है जी? चलो, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 ऑन सर्विस कॉस्टिंग इज कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे सर अपना अगला क्वेश्चन, जो कि होगा हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम लोग अपने वे से करेंगे सर, जैसे हम लोग करते हैं यहाँ टेबल बना के, राइट? टेबल्स बनवाऊंगा वहाँ पे, बाकी की वैल्यूज आप लोग खुद भर लोगे, तो वही मेथड हम लोग फॉलो करेंगे, राइट? सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू सो मच।